हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। हम लोगों ने काफी बार एग्जाम में दे चुका है कि एक्चुएटर वर्सेस जो है वो सेंसर, या फिर व्हाट इज एक्चुएटर, व्हाट इज सेंसर। पूरी फुल जानकारी आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोनों ही चीज मेरे सामने है, ये जो दो चीज देख रहे हैं आप, एक तो सेंसर है, एक एक्चुएटर है। ये जो पहला जो चीज है मैंने पहली बार उठाया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो एक्चुएटर है या फिर सेंसर है। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो थोड़ा आईक्यू टेस्ट भी हो जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ये हमने सेंसर उठाया है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जब भी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। ये हमारा सेंसर है, ये जनरली जो है वो मैकेनिकल जो भी एक्शन होते रहता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए हमारे जो है वो ECM तक पहुंचाता है। एक्चुअली मैं इसको जो है वो इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चूंकि ये इंजन का सेंसर है। यहाँ से देख सकते हैं कि आउटपुट निकलता है और ये जो चमकीला पार्ट है वहां पे मैकेनिकल जो भी एक्शन होते हैं वहां से सेंस वो करता है। सिंपली भाषा में बोला जाए तो सेंसर का काम है मैकेनिकल एक्शन को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, और ये हमारा है एक्चुएटर। एक्चुअली इसका काम क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसमें जो इनपुट रहता है, इसमें इनपुट ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहता है और जो इसका आउटपुट निकलता है एक्चुएटर का, वो एक्चुअली में रहता है मैकेनिकल एक्शन। इस तरफ से देख सकते हैं कि मैकेनिकल एक्शन किस तरह से ये होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। ये ECM के पार्ट में लगा हुआ रहता है। ये थ्रोटल बल्ब जहां पे रहते हैं ये उसका जो है वो एक्चुएटर है। इसका काम है जो है वो फ्यूल को जो है वो रेगुलेट करना। मैं आपको बताने वाला हूँ, आजकल जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, जितने भी चाहे हमारी ऑटोमाइजेशन कंपनी जितनी भी जो तरह तरह की चीजें लाती है, सब में एक्चुएटर और सेंसर का ही कमाल रहता है। एक्चुएटर सेंसर, आपने समझ लिया कि एक्चुएटर और सेंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है और दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो देता है। एक मैकेनिकल एक्शन को सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंस करता है कि वो क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल मीडियम बना करके हमारे ECM वगैरह कंप्यूटर तक पहुंचाता है, और दूसरा है कंप्यूटर से जो कमांड आता है ECM के द्वारा होते हुए जो है वो डायरेक्ट जो है वो मैकेनिकल एक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है अब कुछ कहने या बताने या फिर सुनने के लिए रह गया है, तो वीडियो यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। चूंकि कंप्लीट जानकारी आपको व्हाट इज सेंसर आप बता सकते हैं, व्हाट इज एक्चुएटर आप बता सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुएटर एंड सेंसर आप बता सकते हैं, तो और इससे ज्यादा कुछ जो है वो इंटरव्यू वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। सिंपली सवाल ही पूछे जाते हैं छोटे छोटे, और जो भी आप एग्जाम भी देने जा रहे हो तो थ्योरेटिकल पार्ट है अगर, तो इन सब चीजों को आप लिख करके आ सकते हो, नंबर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार। कोई दिक्कत है किसी भी तरह से, आपको मैकेनिकल में कहीं भी दिक्कत है कुछ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।